गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट की। अब एस ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है आपका बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। सिंपल क्यों है, जैसे हाइड्रोजन बहुत सिंपल था आपका, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर नंबर 3, वो बिल्कुल वैसा वैसा चैप्टर है, बिल्कुल मजे वाला चैप्टर है। पी ब्लॉक भी ऐसा ही आ गया, लास्ट में दो चैप्टर जो ऑर्गेनिक है वो है काम। अब देखिए जैसे इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS122, मतलब आपकी पेरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, एक लिथियम वाला ग्रुप और एक मैग्नीशियम वाला ग्रुप, ये दोनों जो ग्रुप हैं वो आते हैं कैटेगरी में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, है ना। अब एस ब्लॉक एलिमेंट 2 कैटेगरी में आपके एक तो ग्रुप 1 एलिमेंट और एक है आपका ग्रुप 2 एलिमेंट। आपको इस चैप्टर में केवल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कंपाउंड्स जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl, ये सब नहीं पढ़ना है, केवल जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज क्यों, ताकि आपकी 12th में आपको स्ट्रेंथ मिले। तो फर्स्ट वी हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। अब ग्रुप 1 कौन है, ये फर्स्ट ग्रुप आपका पीरियोडिक टेबल का, उसको हम बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट। कौन कौन होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। कैसे लर्न करोगे, फ्रेंशियम को हम जनरली काउंट नहीं करते हैं बिकॉज फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, फिर भी पूछ ले, ये आपका सिक्वेंस है। देखिए ग्रुप 1 एलिमेंट को हम एल्कलाइन मेटल भी बोलते हैं, क्लास 10th में पढ़ा था आपने, सोडियम पोटेशियम दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। करके देखते हैं, अगर मैंने Na का रिएक्शन करा वाटर से तो क्या फॉर्म करेगा, NaOH, तो क्या बना, ये वाटर सॉल्युबल बेस। तो कोई भी ऐसा मेटल जो वाटर के साथ सॉल्युबल बेस बनाता है, दैट इज कम्स इन कैटेगरी ऑफ अल्कलाइन मेटल। मेटल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 आउटर मोस्ट शेल का, एंड टॉप से बॉटम चलने पर एटम का साइज बढ़ता है, जानते हो क्यों बढ़ता है, न्यू शेल इज एडेड। टॉप से बॉटम चलने पर मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, बिकॉज टॉप से बॉटम चलोगे एटम का साइज बढ़ जाएगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिलीज्ड इजीली। अब जैसे मैंने बोला आपसे इस हाइड्रोजन को भी भूल ही जाइए, क्योंकि बताया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में ये तो अनसर्टेन है पोजिशन ही, तो मेन है आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब मैंने बोला आपसे लिथियम और सीजियम इन दोनों में से बड़ा साइज किसका है, सीजियम का। मैंने बोला आपसे इन दोनों में से अच्छा मेटल कौन है, सीजियम। क्यों है भाई अच्छा मेटल सीजियम, बिकॉज ड्यू टू अ बिगर साइज सीजियम कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। और कुछ पूछे कौन ज्यादा बेसिक है, सीजियम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो क्यों होता है, बेसिक नेचर का होता है। याद करिए इक्विलिब्रियम में लुईस थ्योरी, विच कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन, दे आर बेसिक इन नेचर। तो सबसे अच्छा बेस कौन है इसमें, लिथियम और सीजियम में, सीजियम है। टॉप टू बॉटम चलोगे आयनिक बॉन्ड का बिहेवियर बढ़ता है, तो अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा सीजियम। आगे देखिए बॉटम से टॉप चलने पर आपका बढ़ता है कोवेलेंट बिहेवियर। अब जैसे मैंने बोला आपसे यह क्वेश्चन है, लिथियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बट सीजियम फॉर्म आयनिक कंपाउंड, व्हाई, लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं बट सीजियम के कंपाउंड आयनिक होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, लिथियम का साइज सीजियम से स्मॉलर है, इसलिए लिथियम का कैटायन, ऐसे समझना, लिथियम का कैटायन सीजियम के कैटायन से छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से लिथियम कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। अगर आपने ध्यान दिया हो तो चैप्टर 4 में आपको पढ़ाया था मैंने फजान्स रूल, और फजान्स रूल में बोला था अगर किसी का कैटायन छोटा होता है तो वो कैटायन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप यही बोल सकते हो Li+1 फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड इन कंपैरिजन ऑफ Cm+1 बिकॉज स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इजिली अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। दूसरी चीज ऐसे पूछ सकता है घुमा के, और NCERT में ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, LiCl इज मोर कोवेलेंट देन सीजियम क्लोराइड, तो आप क्या बोलोगे, इन LiCl
Li plus ion. Yeah, you simple one go. In LiCl, Li size is smaller than cesium. And due to the small size, lithium cannot release electron easily, so it forms covalent bond. So yeah, तो different different type के reason हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही आप लिखो, आपको कुछ और अच्छा लगता है, you can use your own word, है ना? देखिए, atomic and ionic size, first property देखिए इसमें, detail से पढ़ते हैं, top से bottom चलने पर, atom का size बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? Because when we go top to bottom, न्यू शेल इज एडेड. अब जैसे यहां देखिए लिथियम में मैं एच को हटा रहा हूँ, टेंशन को हटा रहा हूँ, लिथियम 2.1 ओनली टू शेल्स है, सोडियम 2.81 थ्री शेल्स, फोर शेल, फाइव शेल, सिक्स शेल. तो टॉप से बॉटम चलने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का साइज भी बढ़ता है. अब ये क्वेश्चन था आपके पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, एन ए प्लस का साइज एन ए से छोटा क्यों है? अब वहाँ एक क्वेश्चन था कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है? तो आप क्या बोलोगे? इन एन ए प्लस 11 प्रोटोन एंड 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इन एन ए 11 प्रोटोन 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. एन ए प्लस में क्या है? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटोन ज्यादा है. तो आप क्या बोलोगे? इन एन ए प्लस आफ्टर रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट या मोर न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द मोर न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस. सही है? तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना. इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं ना एग्जामिनेशन में. देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का आयोनेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी. अब आयोनेशन एंथैल्पी आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम लगेगा आपको, बट नया टॉपिक है हाइड्रेशन एंथैल्पी. देखते हैं क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एंथैल्पी. अब कॉन्सेप्ट देखो सिंपल, ध्यान से थोड़ा समझ लो. ये लिथियम एटम का साइज और ये सीजियम एटम का साइज, ये न्यूक्लियस. कहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा? सीजियम से. पढ़ते भी हो आप, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज एटम का साइज बढ़ेगा और एटम का साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, लेस न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा. क्यों वर्क करेगा? बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम एनर्जी लगाने पर आपका इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा. तो अगर मैं बोलूं लिथियम और सीजियम इन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो सीजियम निकालेगा. सही है? इससे मैंने बोला था कि सीजियम ज्यादा मेटेलिक होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है सीजियम. तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज ड्यू टू विच न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज. मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन देखो यहाँ, सीजियम की IE1 कम है लिथियम की IE1 से. क्यों? क्योंकि सीजियम का साइज लिथियम से बड़ा है एंड ड्यू टू द बिगर साइज न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, सो सीजियम कैन रिलीज वन इलेक्ट्रॉन इजिली. दूसरा देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी. आप सबसे पहले समझो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है. सपोज करिए यहां से देखो, ये वाटर है, ध्यान समझो ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये बीकर ए और ये आपने लिया बीकर बी. ओके, आपने सॉल्ट लिया यहां ए और यहां सॉल्ट लिया बी, कोई भी केमिकल ले लो. अगर ए हाईली सॉल्युबल है तो इसका मतलब होता है इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम है. मतलब वाटर को कम एंथैल्पी लगाना पड़ रहा है इसको सॉल्युबल करने में. मतलब कोई भी चीज जब वाटर में सॉल्युबल होती है, कोई भी आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट, तो वाटर की भी अपनी कोई एंथैल्पी होती है और वाटर की जो एंथैल्पी होती है वो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. अगर वाटर ने वो एंथैल्पी कम यूज करी
और आपका सॉल्ट इजीली सॉल्युबल हो गया, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और वो सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है। जैसे मैंने बोला NaCl वाटर में हाईली सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, वाटर जो है NaCl को डिजोल्व करने में कम हाइड्रेशन एंथैल्पी यूज कर रहा है। अगर वाटर को ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी यूज करनी पड़ी, इसका मतलब क्या है, वाटर को बहुत प्रॉब्लम होती है उस सॉल्ट को डिजोल्व करने में, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है एंथैल्पी वाइज। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब व्हेन वाटर डिजोल्व एनी केमिकल इनसाइड इट देन द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है तो केमिकल इजीली सॉल्युबल है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है तो केमिकल इजीली सॉल्युबल नहीं होगा। अब जैसे देखिए, आप डिपेंड किस पर करेगी, आयनिक साइज प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। अब देखो, अगर आयनिक साइज छोटा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब देखो, लिथियम, लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, सीजियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। तो अब देखो क्या बोला हमने, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज टॉप टू बॉटम, देयरफॉर सीजियम क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सीजियम क्लोराइड वाटर में हाईली सॉल्युबल है, तो आप क्या बोलोगे, सीजियम क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज सीजियम साइज इज बिगर देन लिथियम, सो इट हैज लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। आपसे पूछ ले NaCl सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता है भाई, वाटर में सॉल्युबल इसलिए नहीं है, दो आंसर है यहाँ। देखो, वाटर में इसलिए सॉल्युबल नहीं है बिकॉज NaCl का नेचर क्या है, कोवेलेंट है। बट उससे बढ़िया जो आंसर है वो ये है कि लिथियम क्लोराइड में Li प्लस कैटाइन प्रेजेंट, और Li प्लस कैटाइन का जो साइज है डेट इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड ड्यू टू दिस इट हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। वाटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको डिजोल्व करने में। इट हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू विच Li सॉल्ट या लिथियम क्लोराइड नॉट डिजोल्विंग वाटर इजीली। क्लियर। LiCl.2H2O आर मोस्टली हाइड्रेटेड। अब आप सोचो यहां तो लिख रहे हो सर हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिजोल्व नहीं करते हैं, ओनली क्या कर पाते हैं, ओनली अटैच होते हैं LiCl के साथ, दे नॉट डिजोल्व LiCl इजीली। तो आप क्या बोलोगे, LiCl.2H2O आर मोस्टली हाइड्रेटेड विद वाटर, व्हाई, बिकॉज दे हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। Li प्लस है मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्यों, Li की हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम क्यों होती है, तो इस पे जा, एज द आयनिक साइज डिक्रीज हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज। तो सारे टॉपिक क्या है, इंटरलिंक्ड है, वो जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे आपसे जो पूछेगा वो क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो, है ना। और ये सारा जो आप पढ़ रहे हो ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट में काम आएगा आपके क्लास ट्वेल्थ में, इलेवेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ स्पेशली। देखिए बेटा आगे देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड देन वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखोगे ना तो रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ाया उसका रिपीटेशन होगा यहाँ। देखिए क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स की, तो ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना इस ब्लॉक एलिमेंट, इसको रटना नहीं है, इसको कॉमिक की तरह पढ़िए, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। बुक वन आपकी पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है, बुक टू में हाइड्रोजन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ऐसे ही चैप्टर हैं, थ्योरी वाले ही है, तो उनको रटो मत, इसको कॉमिक की तरह पढ़ो। वीडियो भी देखोगे तो बिल्कुल ऐसे देखो जैसे मूवी देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, अपने आप रिटेन होगा आपके माइंड में ये सारी चीज़ें, रटोगे रटने में नहीं आएगा, अपने आप रिटेन होगा। जैसे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी सॉफ्ट वाइट एंड सिल्वरी मेटल, ये वाइट मेटल होती है, सिल्वरी होती है, सॉफ्ट होती है। अब यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता बट पूछ ले, व्हाई दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि वी कैन ब्रेक द मेटल विद अवर हैंड, इतने सॉफ्ट होते हैं। पढ़ा भी होगा टेंथ में, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद द नाइफ, याद करिए टेंथ की आप मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर को, तो क्यों काट सकते हैं भाई, एफ ई आयरन का मेटल तो नहीं कटता है नाइफ से, गोल्ड वी कैन नॉट कट, एल्यूमिनियम वी कैन नॉट कट,
बट वाई सोडियम एंड पोटेशियम, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है। कोई भी मेटल जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट क्यों है, बिकॉज उसके एटम के बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक है। आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्यों आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज उसके एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखना है, उसी प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू अ लार्ज एटॉमिक साइज दे हैव लो डेंसिटी। सोडियम पोटेशियम बहुत हल्के होते हैं, डेंसिटी कम होती है। क्यों डेंसिटी कम होती है, बिकॉज एटॉमिक साइज बड़ा है, और एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। आगे लिखो, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, ड्यू टू द वीक मेटेलिक बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से, दोनों का रीजन एक ही है, वीक मेटेलिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है फ्लेम फोटोमेट्री, आपके 11th क्लास के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी है। अगर आपको एल्कली मेटल को पहचानना है, अब जैसे मैंने आपको दे दिया लिथियम मेटल, और मैंने आपने कभी नहीं देखा लिथियम मेटल को, और मैंने बोला आपसे पहचानो ये कौन सा एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उस मेटल को बर्न करते हैं या हीट करते हैं एयर के साथ। या सिंपल सी बात बोलूँ मैं, उस मेटल को बर्निंग कैंडल में की फ्लेम में लाकर बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर आपको स्पेसिफिक कलर मिलते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं फ्लेम फोटोमेट्री, मतलब किसी मेटल को फ्लेम में बर्न करके आइडेंटिफाई करना, तो इसको बोलते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। इम्पॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल में, टॉपिक इन्वॉल्व है ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में, तो करते क्या है, फिर सुन लो डेफिनेशन में। अ फ्लेम फोटोमेट्री इज अ टेक्निक इन विच वी टेक एल्कली मेटल एंड बर्न विद एयर। When we burn in air, then they give specific color. Like lithium. Lithium आपको कलर देता है crimson red. Sodium आपको कलर देता है yellow. Flame का कलर. Potassium देता है violet. अब ये ऐसा होता क्यों है? तो chapter 2 में आपने पढ़ा है. When we provide heat to the metal, then electrons jump from lower energy shell to higher energy shell. And when they comes back, they release different type of color. जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट करोगे, जैसे मैंने बोला आपको, आप बल्ब की बात कर लो, बल्ब क्यों शाइन करता है भाई, क्या रीज़न है बल्ब के शाइन करने का, शाइन इसलिए करता है बल्ब कि बल्ब को जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो बल्ब के फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं लो लेवल ऑफ एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में, एंड व्हेन दे रिटर्न्स बैक दे गिव डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। तो कोई भी चीज़ गर्म होने पर जो कलर देती है वो कलर क्यों देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। ध्यान रखना, तीन क्वेश्चंस बताए मैंने, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द वन एलिमेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या कभी कभी लिख देता है यहाँ एयर। तो क्या रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी वेरी हाई रिएक्टिव बिकॉज दे हैव बिगर एटॉमिक साइज एंड लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, सोडियम एंड पोटेशियम शुड बी कैप्ट इन केरोसिन। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं, क्यों रखते हैं केरोसिन में, बिकॉज व्हेन वी कीप सोडियम और पोटेशियम इन ओपन एयर दे शो द एक्सप्लोजिव रिएक्शन एंड दे मे क्रिएट अ फायर एक्सीडेंट ड्यू टू विच वी कीप सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्शन जब आप करोगे ऑक्सीजन से तो थोड़ा सा पैटर्न ध्यान रखना, लिथियम बनाता है ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम से बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अब ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो क्लास 11th का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन लेके जाऊंगा आपको। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो हम बोलते हैं उसको ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है हम बोलते हैं परऑक्साइड, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 है, हो सकता है नीचे देखे नहीं आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ -1/2 है, तो हम उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। यही इसकी डेफिनेशन है। तो आपको पूछ ले कोई, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर ऑक्साइड, तो आपको बोलना है सुपर ऑक्साइड अ कंडीशन इन विच ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2।
रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, फिर एन आई की वैलेंस की प्लस वन, सोडियम की प्लस वन, इन सब की भी प्लस वन, सेम ग्रुप का मेंबर है तो एन आई प्लस वन ओ माइनस टू क्या बन जाएगा, एन आई टू ओ, एन ए प्लस वन ओ माइनस वन क्या बन जाएगा, एन ए टू ओ टू, सोडियम परऑक्साइड। ओके, ये मत करके आ जाना एन ए वन ओ वन, परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ये होता है परऑक्साइड बॉन्ड, डेट इज अ परऑक्साइड बॉन्ड, जैसे हम लिखते हैं ना हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, वैसा ही ऐसे बनाना है ना। के प्लस ओ टू, ओ की वैलेंसी माइनस वन बाई टू, तो क्या लिख दोगे, करके दिखा रहा हूँ मैं, के प्लस वन ओ माइनस वन बाई टू। ओके, तो टू होगा मल्टीप्लाई यहाँ के ओ टू, ध्यान समझ लीजिए, के का प्लस वन है, ओ की माइनस टू है, तो प्लस वन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस वन बाई टू के टू टाइम्स करना पड़ेगा आपको, तो क्या बन जाएगा के ओ टू, प्लस वन को माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू से बैलेंस करोगे, आर बी से करोगे क्या बन जाएगा, आर बी ओ टू, सी एस से क्या बनेगा, सी एस ओ टू। तो इतना सा ध्यान रखना, बस ये चीज अगर ध्यान है आपको कि ऑक्साइड माइनस टू होता है, पर ऑक्साइड माइनस वन होता है, सिंपल ऑक्साइड माइनस वन बाई टू होता है, तो ईजिली रिएक्शन लिख सकते हो, कोई बड़ा हार्ड एंड टफ टास्क नहीं है। तो आज के लिए सफिशियंट है, बाकी देखते हैं अगले टाइम। थैंक यू।